हाथरस मामले की तरफ रुख करते हैं, जहां यूपी का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सामने आया। कई नेताओं ने पीड़ित परिवार को भड़काने की कोशिश की है। सियासी तौर पर देखिए किस तरह से ये पूरा मामला यहां पर नजर आ रहा है। शव को नहीं लेने के लिए परिवार को भड़काया गया और इस तरह का माहौल बनाया गया। शव के साथ प्रदर्शन की साजिश रची गई थी यूपी पुलिस की तरफ से, ये कहा गया। पथराव और ट्रेनों को जलाने की साजिश थी, ये भी सामने आ रहा है यूपी पुलिस के जरिए। तो हाथरस मामले में यूपी पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा आया है, उस हलफनामे में क्या कुछ खास है वो आप तक बता रहे हैं कि कई नेताओं ने किस तरह से पीड़ित परिवार को भड़काने की कोशिश की। शव को नहीं लेने के लिए परिवार को भड़काया गया, हलफनामे में ये कहा गया है। शव के साथ प्रदर्शन किया जाए, इस तरह का भी माहौल जो है वो कई नेताओं के जरिए बनाया गया है। कई नेताओं ने पीड़ित परिवार को किस तरह से भड़काने की कोशिश की, इस हलफनामे के जरिए ये सामने आ रहा है। तो शव को नहीं लेने के लिए परिवार को भड़काया गया था। सैयद आमिर हुसैन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। सैयद, यूपी पुलिस के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जो यह हलफनामा दाखिल किया गया है, क्या कुछ खास पॉइंट्स इसमें सामने आ रहे हैं? देखिए, आपको एक चीज याद होगी जिसमें एक महिला का नाम सामने आ रहा है। वो महिला, संदिग्ध महिला, जो कि यहाँ पर कई समय से रह रही थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। हमने इसके बारे में लगातार परिवार के से संपर्क किया, क्योंकि परिवार, वो जो परिवार है, पीड़ित परिवार जो है, उसी में महिला रही है और वहाँ पर उन लोगों से बातचीत कर रही थी। तो हमने आज पीड़ित परिवार के भाई से भी बातचीत की। उनका ये कहना था साफ तौर पर कि इस तरह की कोई बातचीत नहीं थी। 16 तारीख को नहीं आई थी वो, 4 तारीख को आई थी और 6 तारीख को चली गई थी। लेकिन दावों की सच्चाई क्या है, क्या वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, जांच का विषय है, वो पता चलेगा। हलफनामे में साफ तौर पे ये बात का जिक्र है कि हाईजैक करने की कोशिश की गई थी, पूरे इस मूवमेंट को हाईजैक करने की कोशिश की गई थी। और जिस तरह से बॉडी को का अंतिम संस्कार ना करके उसको ना लेने के लिए ये उकसाया जा रहा था, इस तरह की तमाम चीजें जो हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को ये पता चली जो कि हलफनामे में है। और दूसरा ये कि जिस तरह से पीड़ित परिवार को बरगलाने की कोशिश की गई, उसको ये बताने की कोशिश की गई कि इससे पूरा मूवमेंट चलेगा, आपको आपके हक की बात मिलेगी, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के तमाम नेता यहां पर विजिट कर रहे थे, तो बड़ी संख्या में लोग यहां विजिट कर रहे थे, कार्यकर्ता यहां पर विजिट कर रहे थे पार्टियों के, तो ये साफ दर्शाता था कि कहीं ना कहीं इसको एक बड़ा मूवमेंट करने की कोशिश थी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि बारीक चीज समझिए कि वेबसाइट जो बनाई गई, वेबसाइट जिसको एक मूवमेंट देने की कोशिश की गई, उस वेबसाइट में card.co है। card.co एक कंपनी है जहां पर आप फ्री वेबसाइट बना सकते हैं, फ्री वेबसाइट कोई भी बना सकता है जा करके उस पे। तो कहीं ना कहीं इसको पूरा एक मूवमेंट करने की और साजिशन इसको बड़ा एक मुद्दा बना करके सड़कों पे उतरने और एक सरकार को बदनाम करने की कोशिश जो थी वो साफ तौर पे जो हलफनामे में सामने आई है। तो ये चीजें जो हैं, ये जो चीजें हैं हाथरस से निकल के आ रही है। आज की अपडेट बता देता हूं चलते चलते कि आज अपडेट में यह है कि एपी सिंह जो कि निर्भया के वकील रहे, वो यहां पर पहुंच रहे हैं और पीड़ित जो आरोपी पक्ष है उसके पास जाएंगे, वो बातचीत करेंगे, आपकी तरफ रुख करेंगे, क्योंकि एक ऐसा मामला है जिस पर ना सिर्फ यूपी बल्कि देश भर की नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट आमिर से आगे भी लेंगे।